शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या कहती है आपकी राशि और क्या हो सकता है आपके साथ। आपकी जो जन्म राशि होती है वो आपके जीवन को प्रभावित करती है और जन्म से मृत्यु तक लेकर हम इन राशियों से प्रभावित होते हैं और जिस प्रकार इन राशियों का ग्रह गोचर होता है उसी प्रकार हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मेष राशि क्या कहती है। तो जिनकी राशि मेष है उनकी स्थिति पहले से बेटर है, लाभ होगा आपको, आकस्मिक लाभ होगा, कई यात्रा करेंगे आपके जीवन में, कई मुकाम आपको ऐसे आएंगे जिससे आपको पॉजिटिव चेंजेस आएगा। घर खरीदने का प्रयास कर रहे थे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के स्टार्स क्या कह रहे हैं। तो जिनकी राशि वृषभ है उनके विषय में मैं आपको बता दूं, वृषभ राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से बेटर है, कई यात्राएं आप कर सकते हैं, अचानक आपको धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं जो आपको पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, आपको चीजों को वास्तविकता से आप जो अभी निभेगे हैं, बहुत सी स्थिति आपकी परिस्थितियां आपके सामने आएंगे और आपको जीवन में वो पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि मिथुन है उनके जीवन में भी स्थिति पहले से बेटर है, बहुत सी स्थिति परिस्थिति आपके अनुसार होगी जो आपको पॉजिटिव चेंजेस करेंगे, स्थिति को बेटर करें, चीजों से आपको लाभ होगा और आप अपने चीजों को बेटर कर पाएंगे। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है समय अच्छा है, प्रयास कर लें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि कर्क है अगर उनके संतान प्राप्ति के योग नहीं हो रहे थे तो अचानक आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, मित्र बंधुओं से आपकी मुलाकात हो सकती है, अचानक आप यात्राएं कर सकते हैं और आपका जो समय है अमोद प्रमोद में बीतेगा, रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। जिनकी राशि सिंह है उनकी स्थिति पहले से बेटर है, आपको लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा, स्थिति आपकी परिस्थिति आपके अनुरूप होगी, बस आपको एक सावधानी रखना है कि यात्राओं को टाले, कुछ दिनों के अपनी यात्राएं टाल दें, खासकर अगर आप यात्रा हवाई कर रहे हैं या आप बाय रोड जा रहे हैं तो प्रयास करें कि ये दोनों ही यात्राओं को आप टाल दें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। बाकी कैरियर वाइज और पर्सनल रिलेशंस में आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि कन्या है उनकी स्थिति पहले से बेटर है, लेकिन मन उदास हो सकता है, आपके जीवन में हताशा बढ़ सकती है और आपके को अचानक किसी प्रकार की मुसीबत आपको दस्तक दे सकती है। तो इस प्रकार की स्थितियों से निकलने के लिए चीज़ों को बेटर करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तुला राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से बेटर है, प्रेम संबंधों में आप थोड़ा उलझ सकते हैं, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा दूर दूर रखें और खासकर किसी तीसरे व्यक्ति की अपने वैवाहिक जीवन पे एंट्री ना करने दें, ये आपके भविष्य को खराब कर सकती है। जब कभी हमें कई बार हमें समझ में ही नहीं आता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और उसका परिणाम हमें क्या होने वाला है, इस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालिए। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। वृश्चिक राशि वालों के समय अभी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके मन में हताशा हो सकती है, आपको व्यापार और कार्य की स्थिति की समझ अभी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आपका मन भटकाओ वही स्थिति में आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको कौन से रास्ते में जाना है और आपके लिए क्या बेटर है और आपको क्या करना है। छल हो सकता है आपके साथ, लोग आपको धोखा दे सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहें, आपके लिए आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि धनु है उनकी स्थिति पहले से तो बेटर है, आपको लाभ होगा, अगर आपके विवाह के योग बहुत दिनों से नहीं बन रहे थे तो किसी व्यक्ति का आगमन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आप दूर रहें, संतान प्राप्ति के आपके भी योग बन सकते हैं और संतान संबंधी चिंताएं भी आपको आ सकती हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के स्टार्स क्या कह रहे हैं। तो जिनकी राशि मकर है उनकी स्थिति पहले से तो बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस स्थिति से अपने आप को ले जा रहे हैं या जिस स्थिति पर आप आगे बढ़ रहे हैं वो उतनी बेटर नहीं है कि आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। तो इन स्थितियों से अपने आप को बाहर निकालें और खासकर अपने फाइनेंशियल मैटर को सोच समझ कर आगे बढ़ें, पैसों को आप बहुत सोच समझ कर खर्चें, नहीं तो आपके लिए भविष्य में ये मुसीबत लेकर आ सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में भी बड़ा परिवर्तन होगा, अचानक आपको लाभ हो सकता है, लेकिन आप चीट करने वालों लोगों से सावधान रहें, हो सकता है आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हो जाए, चीज़ों को बेटर करते रहें, इससे आपकी चीज़ें संभल जाएंगी। तो चलिए चर्चा करते मीन राशि के स्टार्स क्या कह रहे हैं। तो जिनकी राशि मीन है उनकी स्थिति भी पहले से बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी हताशा लग सकती है, इससे आप अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करें, चीज़ों को बेटर ढंग से प्रेजेंट करने का प्रयास करें, क्योंकि जिस प्रकार आपकी मेहनत है वो आपको आपके कैरियर में सफलता दिलाने के लिए मुझे लग रहा है कि वो प्रयास नहीं कर रहे हैं आप जो आपको करना चाहिए। तो प्रयास बढ़ाएंगे तभी बड़ी डील करने के लिए बड़ा कार्य भी करना पड़ता है, बड़े तरीके से मेहनत भी करनी पड़ती है, तो उस चीज़ों को आप ध्यान दें तभी आप अपनी चीज़ों से बाहर आ पाएंगे। तो आपने जाना कि क्या कहती हैं आपकी राशियाँ
और क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार आपको मैं फिर से याद दिला दूं, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। नमस्कार।